को बम जा रहा हमने आपसे वादा किया था हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और हम आ गए ठीक है जी आ, गर्मी जो है ना अब जरा जुबन पे आने लग गई है और अब मेरे ख्याल से हल्के हल्के पंखे चलाने का मौसम आ गया है नहीं मैं अभी हल्के से स्टार्ट करूँगी बस मैं ना पंखे की आवाज़ से बहुत रहा है अली बस वो जो आवाज़ है ना वो बड़ा तंग करती है खैर करिए स्टार्ट करते हैं मियाँ साहब का बयान आया है उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इंसाफ मिला होता ना तो इससे जो मोल करना वो हवा में उड़ा <laughs> तो <laughs> <laughs> मतलब बस आप प्यार पर खुद ही सोच रहे कि मिया साहब को मसूम चेहरा पीली पीली चाहना वो नहीं क्या पिंकिश चीक्स के अंदर से पोले पोले मुंह से वो बोया वो बहुत बोल रहे लिटरली हमें जब उनको मास्क नहीं पहनना आया अभी तक हाँ लेकिन उन्होंने हमें उड़ा देता था टेक्निकली देखे तो हम एक फ्लाइट ही कर रहे हैं जो है ना मुसलसल बर्बादी की तरफ ऊपर ऊपर से ऊपर जा रहा है रोज के हिसाब से तो ये जो है ना तारीखी तौर पे आप जरा देखें कि हमेशा इनको बेहतर इकोनॉमी मिली है पी को और हमेशा ये बेड़ा कर करके गए हैं ये पहली दफा है कि इनको वाकई खराब मिली थी हाँ। इनके जैसी जैसी ये दूसरों के लिए छोड़ के जाती है और इन्होंने टैंक कर दिए अच्छा वैसे अगर इन्होंने 2018 के इलेक्शन जीत लिए थे तो अपने मेस को ये मजीद मेस्ड अप कर देते कि बचाने की कोई, कोई कोशिश करते नो नो इनको कौन बचाता इनका मिस्तल ये नहीं है कि मतलब हम्म फिर भी बात है मिफ्ता तो कोई इस तरह से पार्टी का था भी नहीं ना, 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 ना मुफ्ता तो मुझे जब बनाया उसको तो पहली मैंने उसकी शक्ल नोट की थी कि कोई बंदा है हाँ इनकी पार्टी में मतलब समझी जी बहुत तोप चीज़ है बहुत शार्प माइंड है वो बहुत बड़ा <laughs> <पार। laughs> हाय अल्लाह मतलब। अब मैं क्या ही बोलूँ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती बिकॉज़ फिर मैं अब चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने लग गई हैं इस चक्कर में भी तो खैर मियाँ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनके और डॉक्टर्स ने जो है गो अहेड दे दिया है उन्होंने कहा कि हूं ताड़ी टांग बिल्कुल ठीक है तो अब टांग में से निकलने का वक्त आ गया है आप सब के लिए और अब नज़रें सारी होगी इमरान खान की तरफ़ कि वो इलेक्शन कैंपेंस कैसे करते हैं हाँ और उन्होंने जैसी टांग ठीक हुई है उन्होंने साथ ही बयान दिया है कि मेरी स्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं

नहीं, लेकिन मैं मैं ना तो साधु के हक में है, जी लगी रहती <laughs> नहीं वो तो है लेकिन मैंने चाहूँ कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जो है ना दिखा दिया करें खास तौर तो पर वेन द सिचुएशन इज जस्ट सो क्रिटिकल खैर अच्छा जी क्लोजिंग डाउन ऑफ मार्केट्स हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ टॉपिक जिस पर हर किसी की अपनी राय होती थी ताजरान भी एकदम दो धड़ों में अभी तक मुझे वो याद है मैंने उसकी जिफ़ बनानी थी मुझे एपिसोड याद नहीं रही खैर वो कभी कहते हैं कि जी नहीं बंद करेंगे फिर कहते हैं जी बंद करेंगे हमारा नुकसान होगा हो या फिर नुकसान ही होफकोर्स एंड जो आठ बजे के करीब जो ये दुकानें बंद की गई हैं अभी तक उसमें पंद्रह डॉलर का लॉस नहीं वो कह रहे हैं आप वो फिर कह रहे हैं ना कि बंद करें हाँ हां तो इस पे वो दुकानदार कह रहे हैं जी इतना लॉस है ये ये फिगर जो है ना ये इनको रुपयों में करनी चाहिए डॉलर का कीवे लॉस तानू कौन आके डॉलर दे रहे हैं मतलब रात को जो तुम और शॉपिंग करती हो तुम डॉलर में पेमेंट करती हो <laughs> मैं तो कभी भी नहीं कीती मैं तो बाहर जाके भी नहीं कीती डॉलर बंद करो रुपया औकात है

एक तो है नहीं मेहनत कर देना पूरा दिन दुकाना खोल के बैठे होंगे तो आंदा कोई नहीं क्योंकि ऑफिसली अब तो मेरी भी जिंदगी में जो है परचेज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मुझे आप मुझे अब रिपीट उसी रिपीटेड कपड़ों के अंदर बार, बार 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 देखेंगे क्योंकि मैं आप कुछ खरीद नहीं सकती मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा अच्छा जी आ, ये एक शादी की तस्वीर लगी हुई थी एंड उस पर दूल्हे मियाँ के सामने जो है लाइक अगर हम यहाँ बैठे हुए ना यहाँ से वहाँ तक जो है ना पैसे थे

कई लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनके करोड़ रुपया तो उन्होंने घर में तकिए के गुलाफों में रखा हुआ होगा और बैंक में चार पांच करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा होगा और एसेट्स उसके अलावा होंगे प्लॉट और गोल्ड और ये वो और इस तरह के आप बेताशा लोगों को जानते होंगे क्योंकि ये कुछ जो मैंने रकम बोली है कोई बड़ी है नहीं इनको आप जाके कहे ऑल्टो खरीद के दिखाएं <laughs> ये लोगों के पास है नड्डूर लोग रख के बैठे होंगे पिघला मुलना कोई नहीं बड़े सही है आपको हाँ महीना अच्छा, पहले आके बहुत कुछ छुड़ा दिया था इस <laughs> चक्कर के अंदर किला तो वो, वो तो गया लेकिन मैंने इंजॉय बहुत किया उस चीज को बस मैं खुश थी can take away the you have had. टेक अवेज हाँ सही बात है तो मैंने तो जाड़ दिया अब कुछ नहीं रह गया पीछे खैर इधर से ही ना ये जो आपने गाड़ी की बात की सो दिस दिस वाज रिपोर्टेड बाय प्रॉपर उन्होंने कहा है कि जी लैंड uh, क्रूजर जो है इज़ नाउ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हेलीकॉप्टर्स ठीक है लैंड क्रूज़र की इससे चौदह लाख चौदह करोड़ सॉरी अमाउंट है बाईट uh, जो हैली है ना वो आठ करोड़ से मिलता पे तो आपके पास चॉइसेस आ गई हैं आपको पता है आपने क्या खरीदना कि आपके पास पैसे हैं आपने गाड़ी नहीं खरीदनी है तो आप हेली में लगा दें ओन इट उड़ाएं ये वैसे आठ करोड़ वाला हेली ना बेशक ना ले मुझे सेफ <laughs> <अभी। ना> <laughs> पंजी दावे हो बेगा ना तो जेड़ा असी करने है ना जो हमारी मेंटेनेंस है उसमें कुछ भी नहीं चलना ये तो है आ, मुझे ये है ना कि कंध में ना बजे हो आठ करोड़ का हेली लेके <laughs> देखो मैं इस चीज इस की कि हम जा ही रहे हैं अगर मुकम्मल बर्बादी so की yes, कि मेरे को नहीं रह गया गया। मैं बर्बाद हो गया। so be, uh, you know, like तो स्टाइल शुड यू नो हमें भी आप सैर कराइएगा मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ अच्छा जी ये खबर है कि <laughs> कर ले पहले, पहले आप अच्छा इन सेवन मंथ्स पाकिस्तान मेड अराउंड लाइक थर्टीन करोड़ नाइन्टी थ्री लैक डॉलर्स बाई एक्सपोर्टिंग फुटबॉल जो कतर ऑफ कोर्स गए एंड फिफ्टी परसेंट इनकम जो थी उस वक्त ज्यूरिंग डैट टाइम फिफ्टी परसेंट इनक्रीज था इस वक्त इनके जो प्रॉफिट्स थे उसके अंदर भी और मतलब सेल के अंदर भी और वह सारा कुछ ड्यूरिंग डैट टाइम

फिर दूसरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई कि शायद हम अब जीत सकते क्योंकि यहाँ पे बिजली इतनी महंगी हो गई और इतना महंगा हो गया फिर तीसरी चीज यहाँ पे स्किल्ड वर्कर भी शायद खत्म हो गया या अगर कभी था तो या इतना शायद था ही नहीं कि वो मजीद ऑर्डर ले सके मतलब ये बिल्कुल अच्छा होने नहीं। 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 हाँ वैसे भी पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं लोग फलाने मतलब मैं मतलब एक गाड़ी धोने में जितना स्किल चाहिए ना yes. वो हमारे में नहीं है हाय हम तो नहीं कर सकते हम गाड़ी नहीं धो सकते सो हाँ। so, अब वो आप किसी सर्विस स्टेशन पे चले जाओ हर थोड़ी देर बाहर साबुन लगा देगा हर थोड़ी देर हाँ। अंदर से गाड़ी गंदी की गंदी होगी yes. क्योंकि वो बस पता नहीं किस हर कोई बेचारा फंसा हुआ है और वो जाहिर है लोगों का कसूर नहीं है इतना इतनी टेंशन है ना आपका दिमाग हर वक्त चार जगह पे स्प्लिट है आप कोई एक काम कामसुई से कर ही नहीं सकते नहीं हो पाता अच्छा ये माइंड मसला, ये मसला, मसला। मतलब yes. को समझाओ यहाँ के मसले तो वो उसको समझ नहीं आएंगे बड़ी देर तू तो तो पागल है कैसे हाँ। मतलब क्या किसी को अगर आप ये समझाने की कोशिश करो कि मैंने पैसे देने थे लेने नहीं थे देने थे और मेरे पास थे और मैं देना चाह रहा था लेकिन हाँ। चलान फॉर्म नहीं था डाउनलोड हो रहा मतलब ये, ये ये किसी को नहीं समझा सकते हो कि आप पैसे देने थे आपने हाँ। आप देना चाहते थे हाँ। आपके पास थे लेकिन वो लेने से जिसने लेने, लेने थे।, थे उसने इनकार कर दिए हाँ। ये अब एक मसला है ठीक है और तो बंदा क्या ही बात करे और ये इंस्टेंसिस बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे कि आप देना चाह रहे होते हैं लेकिन वो ले नहीं रहे होते हैं। अच्छा ये अभी जो ना स्किल्ड वर्कर्स की बात हो रही थी इन एवरी थिंग खैर हमारे मुल्क से तो लोगों का अखराज सिर्फ इस बेस पे नहीं होता कि उनको यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे बहुत से और मसले होते हैं रिलीजन बेस्ड होते हैं एथनीसिटी बेस्ड होते हैं सो so, पिछले दिनों एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उसमें वो एक्सीडेंट था जिसमें एक शिप लेके जा रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली नाम आप यही देते मैं तो बस यही गई थी वो जान छुड़ा के जा रहे थे माइग्रेंट्स यहाँ से और पाकिस्तानी उसके अंदर शामिल थे उसके अंदर जो है हमारी एक फॉमर हॉकी प्लेयर हैं शाहिदा रज़ा साहिबा जो थी शी वॉज ऑल्सो अमांग दैम के आई मीन शी रिप्रजेंटेड पाकिस्तान इन हॉकी एट सम पॉइंट इन लाइफ एंड देन शी वॉज गेटिंग अवे फ्राम दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वो भी उनकी uh, वफ़ात हो गई उसके अंदर अब सारा जो चक्कर वो चल रहा था उसके अंदर जो मैंने वो अमाउंट पढ़ी कि ईच पर्सन उटर कंट्रीज सारे थे है? कहां से उन्होंने पैसा जोड़ा होगा किस सरमान के साथ वो गई होंगी कि फाइनली मेरी जान छूट आई वु एनी थिंग बट टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्रीटीज भी थी हाँ मतलब और भी थी क्या छब्बीस पाकिस्तानी हाँ मतलब तो कुछ उन्होंने जो बच गए थे पाकिस्तानी वो गिरफ्तार भी कर लिए उनको कहा है कि जी हां उनको वापस भेजा जाएगा बट दैट इज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन कि बस आपकी ना जान ही नहीं छूट रही आप भागना भी चाहते थे तो पता नहीं आपके नसीब में भागना लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कामयाब हो भी पाएंगे कि नहीं, नहीं? बट हाल ये वही बात चीज है कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए yeah. इलीगली जाना ये बड़ा खतरों वाला काम है। It is तो, लेकिन में ही निकलता ना अली है। आ, जानते पूछते जैसे हमें पता है कि कुछ ना कोई, कोई ना कोई 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 हैंड हो जाना है, लेकिन फिर भी like, वगैरह शायद कहीं जाए। anyway, वो मेरा दिल ना बड़ा खराब हुआ वो पढ़ के अच्छा जी आ, आगे तो तो जेल से वो वापस आए और बाकी सब कुछ छोड़ के उन्होंने इससे सू करना है एम एन एम को वो जो रैपर हैं और वो एम एन एम को इसलिए सू कर रहे हैं क्योंकि एम एन एम का जो गाना है वो इनको इतने साल जो है ना ट्वेंटी ईयर्स इन में भी उनको मुसलसल सुनाया गया सॉन्ग मतलब बस मेरी बस हो गई थी वो पढ़ के कि लाइक क्या अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर ओवर दिस कि जी हमें वहाँ पर टॉर्चर किया गया मतलब बस ना आगे पीछे बड़ी इस तरह की ना खौफनाक खबरें आई हैं पर एनी anyway, वे uh, आई होप कि लाइक like, अमेरिका के अंदर भी कोई लेगिस्शन हो जिसमें ये टॉर्चर चेंबर्स कोई बंद कर दे फ़िलहाल तो इधर तो है हमारे इनकाउंटर्स तो चल रहे हैं ना हम बाज आते हैं ना वो बाजा आते हैं अच्छा जी नेक्स्ट में आ जाते हैं दिस वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर गई थी और वो ये है कि वेंडर वडर वॉज हायर्ड बाई पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये जो इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है ठीक है जी ओ भाई वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया था वो वेंडर उन्होंने वही चीजें सरिंज ब्लड बैग्स वगैरह सारा कुछ इस्तेमाल पकड़ के वहाँ से आगे बेचना शुरू कर दिया और वो केस सामने आया है शीबाजों ने उस पर एक्शन लिया है कि जी फ़ौरन से पता किया जाए लेकिन उन तो सेल हो गई उन तो सारा इधर उधर टूर गया

एक बी फार्मासिस्ट भी है ऑफ कोर्स। तो उसको पता है कि कौन सी चीज उसको किस चीज के साथ मिलके तो तस्कीन हां ah. तो वो फिर ना अपने अंदर इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। तो hey. उधर से वो काफी हाय, hey. आप लोगों ने पता नहीं अच्छा वो मूवी नेटफ्लिक्स पे देखी हुई है अ गुड नर्स अगर नहीं देखी हुई तो आप लोग देखें दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स इट्स अ स्लो वन सॉर्ट ऑफ अ मूवी अगर आप एक्शन पैक समझ रहे हैं तो वो नहीं है बट डू वॉच दैट मूवी अच्छा अच्छी खबर दे देते थे मैं काफ़ी आप लोगों को डिप्रेस कर दिया वो ये है कि निदा डार ने रिकॉर्ड बनाया है इंटरनेशनल ऑफ मोस्ट विकेट्स इन टी ट्वेंटी बॉलर फीमेल बॉलर ठीक है जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको निदा डार साहिबा और उसी वो छक्को वाली कौन सी थी भला मुझे वो एकदम याद आई थी अच्छा है एनी गिविंग अस समथिंग जो हम सेलिब्रेट कर सके सेलिब्रेशन से मैं आपको बताऊं कि काछे में काना का नहीं पता नहीं आपने खबर दी हाँ काछे में जो है ना दस रुकनी डांस ग्रुप जो है उसको अगवा कर लिया गया हुआ है ठीक है ये आपने भेजी थी मुझे खबर और उसका वो एक करोड़ रुपया जो है वो रैमसम में मांग रहे हैं हाँ मतलब ये अब एक तो ये है कि वो डांसर बेचारों के पास दस बंदे भी अगर हैं तो एक करोड़ बड़ा काफ़ी बड़ी रकम बहुत तो उन्होंने कमाना नहीं दूसरी चीज़ ये है कि अब ये बड़े मसाइल हो गए हैं यार कि एक तरफ इंटरनेट वाली दुनिया की कनेक्टिविटी इस किस्म की है कि आप किसी भी बंदे को अप्रोच कर सकते हो दूसरी तरफ अब ये आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ सिटी क्या लोकल शादियों पे भी अब मतलब

हो गई है ठीक है नाउ दे अर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट लैपटॉप्स ऑन मैरिट एंड ना भी अगर कुछ लोग मैं शायद अफोर्ड कर भी सकते हो तो उनको भी मैं एटलीस्ट मैं उन लोगों को सबको जानती हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनको फ्री लैपटॉप मिला था बिकॉज ऑफ मैरिट लेकिन इस टाइम पे वो बात बंदे ने सही की हुई थी सलीम ने कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं लैपटॉप्स मंगवाने के ठीक है और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि इधर जो हम लोग भी करते रहे कि इंटरनेट वैसे ही बंद हो जाना है बिजली वैसे ही बंद हो जानी है ये कौन सा टाइम है इसको जो है ना रिवाइव करने का ये मेरे ख्याल में अनाउंस तो उन्होंने कर दिया लेकिन से हो नहीं पाएगा मतलब नहीं लें ना लाइक व्हाट पार्ट ऑफ आर यू शुड दैट कि पैसे नहीं दें

ये जो गुनर पे बत्तियां लगाएंगे मेन बुलेवार्ड पे बत्तियां लगाएंगे कौन देखता है हाय हाय नहीं और किसी जो पैसे जाया होंगे हाँ। ये मुझे दे दो कैश मतलब लाहौर की आबादी कुल निकालो ठीक है जितना खर्चा इन 13 इवेंट्स पे होने और ये बत्तियों पे होना है वो निकालो कुल आबादी पे डिवाइड कर दो सबको उतने-उतने ₹1000 एनवेलप में डाल के भेज दो वो आपको दुआएं देंगे ये क्या बत्तियां लगा के अगर वो कश्तियां बना के उसमें अनुपति डक्स बना के नहर में सुटनी है और बार्डी <laughs> बार्डी डायनासोर ना मिस किया करे वो हमेशा

काम करें अच्छा यार है जो खबर उठती आई मुझे नहीं पता ये बाकी सारे कंफर्म कर सकते हैं हैं दे दे आर डिसाइडिंग टू टू बाय और वो कह रहे रहे हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस पोर्टफोलियो वी डोंट वांट स्टिक विद ऑयल बिकॉज़ ऑब्वियसली रन आउट अगर

इस दफा आपको एक एपिसोड एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि पिछले हफ्ते में दो तीन खा गए थे मेरी बीमारी की वजह से इसी तरह दो तीन हफ्ते में पूरे हो जाएंगे जी, जी, तो इसलिए आपने जो है ना माफ कर देना मैं। और लाइक करें शेयर करें और बाकी चीजें वो वाली जो है ना वो भी करते रहे